Good evening, all of you. So I, Cheshta Chaudhary, feel very privileged to welcome you all in the cultural evening of our BiCon 2016. So give a huge round of yourself only. I request our Professor Sanjay Biyani, sir, Academic Director, to please present a floral welcome to Dr. Vijendra Gautam, जो कि एक गायक हैं व्याख्याता संगीत विभाग राजकीय महाविद्यालय बूंदी से. मिस्टर संजय माथुर, he is a guitarist, girls. Mr. Rajendra Dangi, tabla vadak. Mr. Hemant Dangi. Mr. Mohsin Khan, Octopad, Antarrashtriya Khyato Prapt Kalakaron. Thank you, sir. Thank you so much. So, shall we start? Thank you, sir. So, are you all ready for our cultural evening, girls? So please welcome our first dance, Rajasthani group, with a huge round of applause. प्यारी फुलवारी आ तो झूम झूम जाए लागी
Thank you, girls. Thank you so much. So, you hope you all enjoyed this dance. So, let's welcome our second performance, which is a Bollywood tadka.
Thank you, everyone. So now please welcome our Academic Director, Professor Sanjay Biyani, sir, to address all of you. Girls, please give a huge round of applause for him. कोई मुझे कुछ कुछ लेक्चर नहीं देना, बस वेलकम करना है. और हमारे बीच में एक आर्टिस्ट आया है और ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट आए, मुझे कहना चाहिए. डॉक्टर विजयेंद्र गौतम, आप गायक है, व्याख्याता है, संगीत विभाग से है, राजकीय महाविद्यालय बूंदी से है, आकाशवाणी में ई श्रेणी के कलाकार, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के युवा पुरस्कार से सम्मानित सूफी और शास्त्रीय गायक, और राष्ट्रीय संगीत समारोह में प्रस्तुति बहुत से प्रोग्राम में दे चुके हैं. तो जब कॉलेज में कोई आर्टिस्ट आता है तो मुझे लगता है कि वो दिन बहुत अद्भुत होता है. हम चाहेंगे विजेंद्र गौतम, जो एक अच्छे गायक है, उम्दा कलाकार है, उनका हम सब लोग स्वागत करें. मैं चाहूँगा वो खड़ा हो जाए, खड़े हो तो हम सब देख सके और आपके लिए ताली बजा सके. ग्रेट, थैंक यू. लेकिन सर, हम हमारे स्टूडेंट्स का भी इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे. ये सब लोग जो है, एक गायक को कदरदान चाहिए, तो ये सब लोग बहुत अच्छे कदरदान हैं. कलाकार को मज़ा तब आता है जब कदरदान मिलते हैं. तो ये सब अच्छे कदरदान है कि नहीं, ये बताइए. अच्छा, गुड 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 गुड. गिटार पे आपका साथ देंगे संजय माथुर जी. संजय माथुर सर, आपका इंट्रोडक्शन हो जाए. संजय माथुर जी, ग्रेट. और इसके तबला पे जो साथ देंगे वो है राजेंद्र डांगी जी. स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है. थैंक यू. आपको पूरा सर तबला पे हमारा साथ बराबर मिलेगा. मुझे लगता है कुछ बच्चे जो है वो चेयर को ही तबला बजा कर शायद उसको तबला ना बना दे. हेमंत डांगी जी कीबोर्ड पे साथ देंगे. हेमंत जी, आपका भी स्वागत है. मौसम बदले और हेमंत ना आए तो फिर क्या बात है. तो कीबोर्ड पे जो है हेमंत डांगी साहब का साथ मिलेगा, स्वागत है. और ऑक्टोपैड पे मोहसिन खान साहब साथ देंगे. मोहसिन खान साहब, आपका भी स्वागत है. ग्रेट. आप सभी लोग जो है, आप लोगों ने एज ए सिंगर देश विदेश में प्रस्तुति दे चुके हैं, और आपको यहाँ पे भी हमारा पूरा साथ मिलेगा. कला जो है वो माँ सरस्वती का रूप है. गणेशा जहाँ हमारे को विजडम और बुद्धि से निर्णय लेना सिखाते हैं, वहाँ माँ सरस्वती कला की देवी आज के प्रोग्राम को बेहतर बनाए. हम मनी मन उनकी कामना करते हैं और चाहते हैं कि हम कला को बढ़ाएं. हमारे जीवन से कला कम हुई है, तब से हमारे जीवन में खुशियां कम हुई है. कला हमारा स्वाभाविक गुण है. हम सब लोग अभिव्यक्त करना चाहते हैं. हम सब लोग क्रिएटिव है. हम सब लोग अपनी अपनी प्रतिभाएं रखते हैं. हम सबको अभिव्यक्ति की ज़रूरत है. हम सब लोगों को कला को बढ़ाने की ज़रूरत है. इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर विजेंद्र गौतम और उनकी पूरी टीम को आमंत्रित करना चाहूँगा. शुक्रिया, थैंक यू सो मच.
सबसे पहले हमारे बीच में उपस्थित सभी अतिथियों का यहाँ स्वागत करना चाहूँगा। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा बियानी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का, जिन्होंने मुझे आप सब युवा श्रोताओं से मिलने का अवसर दिया। बेसिकली हम लोग क्लासिकल म्यूज़िक सीखते हैं, सिखाते हैं, लेकिन आज की जो जनरेशन है, जो भी म्यूज़िक आज चल रहा है, बच्चों ने बहुत अच्छा नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत किया, बहुत वेरिएशंस उसमें दिए। निश्चित रूप से प्रतिभा सब में है, अपनी प्रतिभा को पहचान कर कोई न कोई एक कला, चाहे वो नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल प्लेइंग हो, किसी न किसी कला से जुड़ना हमारे व्यक्तित्व में चार चांद लगा सकता है। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मैं अपने एक मित्र को भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आपके आपके लिए रिकमेंड किया था, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। और जैसा टूटा फूटा मुझे आता है, मैं आप लोगों की सेवा में कुछ प्रस्तुतियाँ प्रारंभ करना चाहूँगा। आप सबकी इजाज़त चाहिए। रफ़ी साहब का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा, क्योंकि सर की मुझे शुरू से ही इच्छा थी कि कुछ इस तरह का, वहाँ से मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगा।
इंडियन भी आपके सामने पेश करना चाहूंगा, बहुत ही पॉपुलर
थैंक यू सर। मैं आज अपनी पसंद के गीत ही सुनाऊंगा क्योंकि आपकी पसंद मुझे पता नहीं थी, तो जो मैं गा रहा हूं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे भी खुशी होगी। थैंक यू।
एक और गीत जो आप सबके काफी करीब होगा, प्यारे प्यारे थारे बिन लागे नहीं महाराज जी आ रहे। प्यारे 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 थारे बिन लागे नहीं महाराज जी आ रहे। यार
बार मेरे साथ जो म्यूजिशियंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बहुत सुंदर, उनके लिए जोरदार तालियां। क्या बात, एक में देख ले, एक मेरी एक रचना मैंने कोशिश की है कुछ इसी तरह की। कुछ पंजाबी गीत, पंजाबी सूफी।
सुन चरखे दी मीठी मीठी गू सुन चरखे दी मीठी मीठी गू सुन चरखे दी मीठी मीठी गू माया मैनू याद आवदा मेरे दिल विचों उठदी है गू माया मैनू याद आवदा मिट्टी मिट्टी भूत माया मैनू याद आवदा मेरे दिल विचों उठदी है भूत माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिट्टी मिट्टी Oh, oh, oh.
कैसा लगा आपको? इट्स ए लॉन्ग टाइम एक्चुअली आई एम हियरिंग अ म्यूजिक एंड जो मेरे मुंह से जो निकल रहा है वाह भाई वाह. एक ही जगह पर एक ही समय पे डिफरेंट जो अपनी म्यूजिक्स हैं अपने इंडिया में उनको सुनना एक ही मुंह से समथिंग वेरी अमेजिंग वेरी वेरी अमेजिंग. सो डॉक्टर विजेंद्र उनकी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड बहुत बहुत धन्यवाद. एंड हम चाहेंगे कि आज यहाँ पर हम क्योंकि एक इंडिया जापान का एक एक्सचेंज प्रोग्राम कर रहे हैं तो क्यों ना कुछ एक्सचेंज किया जाए. एग्जैक्टली वेरी गुड आइडिया. चाहेंगे आप लोग? तो अभी तो हमने इंडिया का म्यूजिक सुना राइट. Now let's listen Japanese music. Because this is the true reason why we are here, to exchange our culture. So क्यों ना डॉक्टर विजेंद्र और उनकी टीम को एक जापानीज एक्सचेंज किया जाए जापान का कल्चर जो है. Recently I came to know about a serial drama actually in the NHK in Japan. In the every morning we have a morning drama around 15 minutes that we call NHK drama. So usually I have some time to watch the drama and the last 6 month drama was very very touching for me because the song for the drama was something very informative and very motivational. And I invited my kids actually in Japan and when they heard that music they also like that and they remember that music. So I just want to first share that that music with all of you, the lyrics, and then the small kids will play, will sing the song, Japanese song for all of you. So can we have that? Yeah, this is something a very inspirational song for us. That the name of that song is the 365 days paper aeroplane or paper fold aeroplane. And the message is for that we all are like a paper. Our life is like a paper. Now it's up to us how we fold the paper and how we convert our life into a shape of aeroplane so we can fly on the sky. So it's something very famous. It was produced by one band which is very famous band in Japan. So first I will give you the lyrics and the song. So first you understand the song and take the meaning and then we will have our kids to play for that. Nichi no kami no hikoki. And the English translation is 365 days of paper airplane. So the message I think is first have listened that and then let's understand the meaning of that song. Nichi
So let's speak with together the Japanese. So 365 they called Sambyaku. Sambyaku. Rokuju. Go. Nichi. So this is 365 days. Okay. And Sambyaku Rokuju Go Nichi no Kami no Hikoki. Kami no Hikoki is the paper airplane. Okay? So, the message what we have from this song that we are just like a paper. Okay? We are growing. And it's up to us how we fold this paper and to become a unique shape and give a direction to our life to do something very high. So, something is very innovative and I think very inspirational for me also. To listen and to, because the composition of this song is something very wonderful because I have never seen such composition in Japan. So now may I request small kids to come over the stage and let us see how they can sing Japanese song. Hello, I am Madhav. Hello, my name is Piyani Vidot Pari. Hello, my name is Irbi. So, are you ready? Thank you.
know, this is the language, this is very polite language, which I realized because I have been in many countries, and I found the Japanese language so polite language, and the words they use is really touching sometime. So why not let's exchange trying some different song in our life and to know the culture of different countries. Okay, so the last one was the Tonde UK. Tonde UK. Tonde UK. Okay, the English meaning is fly on. Okay, fly on. And Tonde Mio. Tonde Mio. Just fly. Okay, fly on and just fly. So, once again, Tonde UK. Tonde Mio. Tonde UK. Tonde Mio. Tonde UK. Tonde Mio. Wonderful. Thank you so much. करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला धूल जचता है तेरे चिन पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में तुझे जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होने वे वर्गी और न होने वे वर्गी और न होने तू मुंडा बिल्कुल
kala 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 oh mainu kala chashma jachda hai jachda hai gore mukhde te mainu kala chashma jachda hai jachda hai gore mukhde te jachda hai gore mukhde te sadkon pe chale jab ladko ke dilon mein tu aag laga de baby fire oh mainu न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर मैनू काला चश्मा ओ मैनू काला काला चश्मा ए काला चश्मा ओ काला काला क्या राघव आपको और डांस करना कुछ? आज बहुत शर्मा रहा है ये, एक बार सब लोग सपोर्टिव है, देखो तुम्हारे लिए ताली बजा रहे, देखो ये बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, मेरा भांजा है और बहुत टैलेंटेड है, लेकिन आज शर्मा रहा है ये, पता नहीं क्यों। इसके बाद में हम चाहेंगे कि मनीष सर पिछले 18 साल से जापान है और साइंस में इतने रम गए कि गाना भी भूल गए, हम उन्हें याद आज सुनना चाहेंगे। सुनना चाहोगे अभी मनीष सर को? ये जब यहाँ थे और 15-16 की उम्र थी तो पहले हमने इनकी आवाज़ सुनी थी पहली बार बाथरूम में से, फिर उसके बाद इनको हमने कहा कि भाई साहब आप तो अच्छा गाते हैं, तो फिर इन्होंने थोड़ा गाना चालू किया, लेकिन पिछले 15 साल से वहाँ पे साइंस में ऐसे खो गए। फिर भी हम आज इनको सुनना चाहेंगे और उसके बाद में विजेंद्र जी के से भी आज चूँकि सैनी साहब आने वाले हैं तो हम चाहेंगे आखिरी एक या दो गाने वो भी प्रस्तुत करें। पहले ओवर टू राघव। राघव आर यू रेडी? क्या आपका सॉन्ग तैयार है? अच्छा ठीक है राघव, फ्रीली होना चाहिए डांस, में शर्मा गए तो हम। कल सुबह सोचेंगे जो आज रात किया, कल सुबह गिन लेंगे सारी गलतियां, तू मेरा भी हो जाना अजनबी, फिर हम मिलेंगे ना कभी।
विजेंद्र जी से चाहेंगे अगर गिटार अगर थोड़ा सा हेल्प कर सके, मनीष सर की गिटार थोड़ी सी हेल्प कर दे, थोड़ा सा साउंड उनकी हेल्प कर दे तो शायद वो बहुत अच्छा साबित हो सकता है। सो बुलाएं मनीष सर को, सुनेंगे। मनीष सर की जो खास बात है वो ये, ही इज़ वेरी इमोशनल पर्सन, बहुत ही भावनात्मक व्यक्ति है और मुझे लगता है कि शायद अच्छा गाना वही गा सकता है जो भावनात्मक हो, जो इमोशनल हो। सो ये बार बार जापान में मेरे को ध्यान है, लगभग 16 साल से जब मैं कॉलेज मैंने कंप्लीट ही की थी और उसके बाद में मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, तो उस समय से मैं इनको साल में 4 बार दिल्ली छोड़ने जाता था और 4 बार लेने जाता था, और जब भी जाते थे तो एक गाना सुनाते थे। मैं चाहता हूँ कि वही गाना सुनाते, जब जाते थे तब ये एक गाना सुनाते थे और उसकी वजह से हम फिर साल भर उनका इंतज़ार करते थे, कभी 6 महीने कभी साल भर, और वो गाना होता था, मैं बताऊँ या आप ही बताएंगे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। मुझे लगता है ये मुझसे बहुत अच्छा गा सकते हैं। मनीष सर प्लीज आइए। When I was your age, the music was my life, and I haven't performed several times in my college life, but after that a long time I'm not singing at all, but still I love singing a song and hearing a song. So this is something very very close song to me. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते यूं ही, चलते यूं ही, तेरे रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर निकल जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे हमें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू। ये बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस नहीं है,
राजेंद्र गौतम साहब को जो है आज एक यादगार स्मृति चिन्ह दे, और ताकि आज के इवनिंग को हम लोग